हेलो दोस्तों, मैं राजू रंजन, मैं घर पर हूँ। दोस्तों आज मैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई 2020 तक बढ़ा दी गई है, तो लॉकडाउन का अवश्य पालन करें और जो सरकार का दिशा निर्देश है उसको अवश्य फॉलो करें। और अगर आप घर से आपको बाहर जाना पड़े तो दोस्तों मास्क लगा कर ही जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करें दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये अभी लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, तो आज मैं आपको गुड़ का चाय बनाने की विधि हम आपको बताएंगे दोस्तों। और गुड़ का चाय बहुत ही टेस्टफुल होता है और वैसे भी गुड़ का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है दोस्तों। चीनी का कम सेवन करना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो आज मैं आपको गुड़ का चाय बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट मैं आपको किचन में लेकर चलता हूँ दोस्तों और गुड़ का चाय आपको बनाकर दिखाऊंगा। दोस्तों अभी हम किचन में आ चुके हैं और अभी हम गुड़ का चाय आपको बनाकर हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अभी देखिए, हम अभी दूध है, हम रखे हुए दूध है और ये चाय पत्ती भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये गुड़ की चाय बनाने के लिए हम थोड़ा सा अदरक भी हम कूच के रखे हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये गुड़ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं गुड़ का चाय बनाने के लिए। तो जैसे देखिए दोस्तों, जैसे आप घर में चाय बनाते हैं उसी अनुसार ही आप चाय बनाइए। देखिए दूध में अभी हम पानी मिला लिए हैं। देखिए दोस्तों अभी हम दूध अभी हम डाल लिए हैं, इसके बाद हम इसमें चाय पत्ती हम डालेंगे। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा इसमें अदरक भी मिला लेंगे। इसका फ्लेम थोड़ा सा तेज कर लेंगे। देखिए दोस्तों अभी चाय गर्म हो रहा है। दोस्तों 3-4 मिनट अभी इसको पूरा खोलना है। जब ये पूरी तरह से खोलने लगे दोस्तों तब इसमें गुड़ हम डालेंगे। अभी दोस्तों देख सकते हैं अभी ये चाय पूरा खोल रहा है और ये अभी पीला रंग अभी आ रहा है इसमें, देख रहे हैं दोस्तों। जब दोस्तों ये पूरी तरह से चाय अभी कंप्लीट हो गया है तो अभी हम इसको आँच को थोड़ा सा धीमा कर दें और आप इसमें गुड़ डाल दें। देखिए दोस्तों ये दो विधि है गुड़ का चाय बनाने के लिए। पहला विधि हम आपको बता रहे हैं, इसे है अगर धीमा कर देंगे तो ये गुड़ आपको फटेगा नहीं। इसमें अच्छी तरह से मिला लें और फ्लेम को ऑफ कर लें। देखिए दोस्तों ये चाय पूरी तरह से तैयार हो चुका है, ठीक है। और भी दोस्तों दूसरा विधि है कि ये कप में भी गुड़ को डाल लें। अगर आप इसमें अगर गुड़ नहीं मिलाएंगे तो आप कप में गुड़ को डाल लें। उसके बाद जब ये पूरी तरह से खोल जाता है, ये चाय कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद आप इस कप में भी चाय को डाल सकते हैं। दोस्तों ये चाय पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब गुड़ हम इसमें कप में ही डाल दिए हैं और ये चम्मच से आप मिला लीजिए, ये आपका गुड़ ये चाय नहीं फटेगा। देखिए दोस्तों ये चाय पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों ये अदरक गुड़ का चाय हमने आपको बनाकर दिखाए हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये गुड़ का चाय आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।